हेलो फ्रेंड्स, साई राम। जय साई राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर भी नहीं करते। प्लीज़, मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, आप लोग क्यों नहीं लाइक करते? प्लीज़ लाइक करें ताकि मुझे और भी हौसला मिले बनाने के लिए, मैं अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ। तो मैं यही कहना चाह रही थी हम लोग से। तो मैं आज आप लोगों को छोले भटूरे बनाकर दिखा रही हूँ, तो चलिए आप लोग रेसिपी देखने के लिए रेडी हो जाइए। फ्रेंड्स, मैंने छोले बनाने के लिए ये 250 ग्राम काबली चने को रात भर के लिए भिंगो दिया। ये ले लेती हूँ। इसमें मैं सारे खड़े मसाले डाल देती हूँ। 2 तेज़पत्ता, 2 दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, 3-4 हरी इलायची, 5-6 लौंग, ताकि ये खड़े मसाले कभी मुंह में चला जाता है तो बहुत ही ख़राब लगता है टेस्ट, इसलिए उबलने के बाद मैं इसे बाहर निकाल दूँगी। और इसमें मैं 1 चम्मच मीठा सोडा डाल देती हूँ, 1 टीस्पून। नमक, अभी मैं इतना डालती हूँ, बाद में और लगेंगे तो डाल दूँगी। और मैंने ये 2 चम्मच चाय पत्ती को उबाल लिया है, उसका पानी ले लिया है, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। ये पिंडी छोले हैं फ्रेंड्स। अब मैं इसको उबालने के लिए इसमें 5-6 कप पानी ले लेती हूँ। चार कप पानी डालो। अब मैं इसे उबलने के लिए रख देती हूँ। अब मैं इसे 4 सीटी आने तक उबालूंगी मीडियम फ्लेम पे। मैं भटूरे के लिए इधर 1/2 किलो मैदा लिया हुआ है, तो मैं 1/2 से हीरो डाल देती हूँ। आधा टीस्पून बेकिंग सोडा, 4 टीस्पून नमक डालती हूँ। चीनी,
इसमें मैं 1 कप सूजी डालूंगी। सूजी को मैंने पहले से भिगो दिया है। मैं इसमें 2 चम्मच दही डालूंगी। अब मैं इसे अच्छे से गूंद लेती हूँ। मैं इसे गूंद के दिखाती हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल डालकर अच्छे से इसको अच्छे से गूंदना है ताकि इसमें अच्छे से लचक आ जाए, तभी अच्छे भटूरे बनेंगे। इसको रख दीजिए अंदर। बिट्टू जी इसको अंदर रख दीजिए ढक के। फ्रेंड्स इसको जितना गूंदेंगे तभी ये उतना ही अच्छा बनेगा, वरना वो लचक नहीं आएगी, खिंचाव नहीं आएगा अच्छे से। अच्छी चीज़ें खाने के लिए तो मेहनत भी अच्छी लगती है। कोई है इधर? ये देखिए हमारा आटा अच्छे से गूंद गया। अब ये चिपक नहीं रहा, तो अब मैं इसे ढककर 3-4 घंटे के लिए रख देती हूँ। इसको कवर करके रख देना। ऐसे अच्छे से ढक कर रख देती हूँ 3-4 घंटे के लिए। और इधर छोले के लिए मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। उसके लिए मैंने टमाटर लिया है, प्याज लिया है, अदरक लिया है, हरी मिर्च लिया है, लहसुन लिया है। तो मैं अदरक, हरी मिर्च, लहसुन, प्याज और टमाटर का पेस्ट बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। लहसुन, ये लहसुन डाल दिया, अदरक, ये हरी मिर्च, प्याज, ये टमाटर,
इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये मेरा अदरक लहसुन हरी मिर्च टमाटर का पेस्ट बन गया। और छोले में डालने के लिए सबसे ज़रूरी मसाला ये एवरेस्ट छोले मसाला, ये डालूंगी ये 2 चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्च सिर्फ कलर के लिए, हम लोग लाल मिर्च नहीं खाते फ्रेंड्स, इसलिए लाल मिर्च नहीं डालते, मैंने हरी मिर्च को पीसा हुआ। ये गरम मसाला 2 टीस्पून, धनिया पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च, ये कसूरी मेथी, और ये गरम मसाला। एक टीस्पून गरम मसाला, हमारी 4 सीटी लग गई। अब मैं दिखाती हूँ थोड़ी देर में। अब मेरा काबुली चना बॉयल हो गया फ्रेंड्स, अब मैं इसे बना लेती हूँ। मैं इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी भी रोस्ट करके लास्ट में डालूंगी, तो इसको मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ। ये मैं 4 टेबल स्पून तेल डाल दूँ, इसमें मैंने 4 बड़े चम्मच तेल डाला। और इसमें हींग जरूर डालें क्योंकि ये भारी होता है पेट के लिए। हमारा तेल गरम हो गया,
इसमें जीरा डाल देती हूँ, थोड़ा सा हींग, ये तेज पत्ता, हमारा जीरा तड़क गया तो इसमें ये कटा हुआ अदरक मैंने मसाले में भी डाला हुआ है और ये हरी मिर्च को फ्लिप करके ले लिया। मैं ये प्याज टमाटर वाला पेस्ट डाल देती हूँ। डेढ़ टी स्पून हल्दी, और नमक, नमक मैंने काबली चना को उबालने कितने समय भी डाला था उस अंदाज से डालती हूँ, आप अपने अंदाज से डालें। मेरा ये टमाटर भून गया है, इससे तेल निकल गया, टमाटर में तेल छोड़ दिया है। हाँ ठीक है, अब मैं ये हल्दी पाउडर ये कश्मीरी मिर्च आपके पास अनार दाना हो तो वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो मैंने डाल दिया। ये 2 टेबल स्पून चना मसाला या छोले मसाले, थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ क्योंकि ये हमारा मसाला पाउडर है, अच्छे से भून रहा है। फ्रेंड्स देखिए हमारा मसाला भून गया, ये उबले हुए छोले डाल देती हूँ। गरम मसाला डाल देते हैं, ये कश्मीरी मिर्च डाल देते हैं, कसूरी मेथी डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं,
ये हो जाता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स हमारा ये काबली चना छोले बनकर तैयार है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ, धनिया पत्ती डाल देती हूँ। ये देखिए हमारे छोले बनकर तैयार हैं। अब मैं भटूरे बनाकर आपको दिखाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, हमारे छोले बन गए। अब मैं भटूरे बनाकर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स बड़े और छोटे आप अपने अनुसार बना सकते हैं। आप ये इतना बड़ा बेलना चाहें, हम लोगों को तो उतना प्रैक्टिस नहीं है। जो प्रोफेशनल होते हैं वे बड़े बड़े बना लेते हैं। इसके लिए तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स हमारे फूले फूले भटूरे। देखिए फ्रेंड्स हमारे कितने अच्छे भटूरे बने हैं।
फ्रेंड्स कैसे लगे हमारे छोले और भटूरे, बहुत मेहनत करके बनाए ये फ्रेंड्स। आप लोग लाइक करके जाइएगा, देखकर ऐसे मत छोड़िएगा फ्रेंड्स। आप लोगों के लिए ही बनाया है ये। ले लीजिए फ्रेंड्स आपके लिए छोले भटूरे, खाकर बताइएगा कैसा बना है। और अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, मेरे छोले भटूरे अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए प्लीज़ प्लीज़। ओम साईं राम फ्रेंड, गुड नाइट फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।